हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या। आपने देखा फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा सर्कुलेंट का कलेक्शन। तो अभी और भी थोड़े प्लांट्स हैं जो कि मेरे आगे की तरफ, यानी जो आगे मेरा गार्डन है एक्चुअल का, वहाँ पर रखा हुआ है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर्स में हमें किस तरह सर्कुलेंट की केयर करनी है। तो ये मेरा एक छोटा सा सर्कुलेंट का कलेक्शन है जो कि इस साल बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो समर्स में हमें किस तरह सर्कुलेंट्स की केयर करनी है ताकि ये हमारे गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चल सके, क्योंकि सर्कुलेंट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ठंडे इलाके में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर समर्स में भी 30 या 35 डिग्री तक ही रहता है तो आपके यहाँ पर सारे ही सर्कुलेंट्स बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। बट अगर 35 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो सर्कुलेंट्स को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने प्रॉपर केयर उनकी नहीं की तो आपके सर्कुलेंट्स धीरे धीरे करके मरना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्कुलेंट्स की केयर हमें किस तरह करनी है। हमारे यहाँ पर टेम्परेचर जो अभी चल रहा है कम से कम 40 डिग्री तक चल रहा है फ्रेंड्स। तो 40 डिग्री में भी आपको मेरे सर्कुलेंट्स देखिए काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। कोई भी सर्कुलेंट अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, यानी मरा नहीं है। तो कैसे मैं इनकी केयर कर रही हूँ आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो अगर आपने भी सर्कुलेंट्स ग्रो किया है, अगर आपके सर्कुलेंट्स मर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और पसंद आता हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं सर्कुलेंट्स की। तो सर्कुलेंट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि विंटर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो इनका ग्रोइंग सीज़न होता है विंटर्स। तो विंटर्स में आप किसी भी तरह अगर सर्कुलेंट्स की केयर ना भी करो तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाते हैं। बट जैसे ही समर्स आते हैं, अगर हमने इनकी प्रॉपर केयर नहीं की तो इनमें जो है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने मिल सकते हैं। आपको प्लांट पर रॉटिंग देखने मिल जाएगा, या फिर आपको जो है ब्राउन स्पॉट है, फंगस का अटैक, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सर्कुलेंट में देखने मिलेंगे। तो प्रॉपर केयर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो केयर समर की बात हो रही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की। तो अगर आपके गार्डन में आफ्टरनून की सनलाइट आती है, जैसे कि मेरे गार्डन में, मेरा जो गार्डन है फ्रेंड्स वो वेस्ट साइड है, तो बहुत ज़्यादा जो है गर्म जो धूप है, डायरेक्ट धूप जो है सर्कुलेंट पर पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है। तो अगर आपका भी लोकेशन ऐसा है और आपके पास जगह नहीं है, जैसे कि मेरे पास जगह है पीछे की तरफ, तो मैंने सारे ही ज़्यादातर जो सर्कुलेंट्स डेलिकेट है उनको सारे को मैंने पीछे शिफ्ट कर लिया है, जहाँ पर सिर्फ सुबह की 11 साढ़े 11 बजे तक की ही धूप आती है। वो भी डायरेक्ट नहीं पड़ती है, इन पर ब्राइटनेस पड़ती है और पूरे दिन की ब्राइट लाइट पड़ती रहती है इन पे। तो ऐसी लोकेशन मैंने इन्हें दिया है। तो अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पर आप पूरे दिन की ब्राइट लाइट इन्हें दे सकते हो तो आप उन जगहों पर इन सारे प्लांट्स को शिफ्ट कर दीजिएगा। अगर स्पेस नहीं है, आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो आप एक ग्रीन नेट बांध के इन प्लांट्स को बचा सकते हो डायरेक्ट सनलाइट से। ग्रीन नेट डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाएगा और जो गर्म हवाएं चलते हैं उससे भी प्लांट को बचा सकता है। तो जितना हो सके आपको डायरेक्ट सनलाइट में इन प्लांट्स को नहीं रखना है, क्योंकि जितना सनलाइट इन पर पड़ेगा उतना आपको लीफ बर्न देखने मिलेगा और कई बार जो है रॉटिंग भी आपको इन प्लांट पर देखने मिल सकता है। तो पिछले साल फ्रेंड्स मैंने जो है मेरे सर्कुलेंट्स को इसी तरह आगे ही छोड़ दिया था और बहुत ही मार्च जैसे ही शुरू हुआ, मार्च शुरू होते ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो गया था। तो मार्च ख़त्म होते होते तो मेरे सारे ही सर्कुलेंट्स ख़त्म हो चुके थे। बट आप देख सकते हो इस बार सारे ही सर्कुलेंट्स मेरे बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और मैंने जब से इन्हें शिफ्ट कर दिया है तब से इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ भी चल रही है। हमने शिफ्ट तो कर दिया ब्राइट लोकेशन पे, बट जो गर्म हवाएं चलती है फ्रेंड्स समर्स में वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होती है। तो जो गर्म हवाएं होते हैं उससे भी हमारे प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आपको प्लांट के आसपास पानी रख देना है। तो आप कोई भी छोटे छोटे मग में या फिर आपके घर पे कोई भी जो बर्तन है उनमें आप इस तरह पानी रख दीजिएगा। पानी रखने से इन्हें ह्यूमिडिटी भी मिलती रहेगी। तो ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़रूरी होता है सर्कुलेंट के प्लांट्स के लिए। तो देखिए आप इस तरह आसपास 2-3 जगहों पर इस तरह पानी भर कर रख दीजिए, जिससे जो है ये गर्म हवाएं से भी बचेंगे और ह्यूमिडिटी भी इनको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सॉइल की बात करें तो फ्रेंड्स सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सर्कुलेंट के लाइफ का। तो मैंने जो है इस बार सिंडर में प्लांट्स को लगाया है। तो एक सॉइल मिक्सचर का वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस बार जो मेरे सर्कुलेंट के ज़्यादा चलने के जो रीज़न है फ्रेंड्स वो सॉइल ही है। जितना आप वेल ड्रेन सॉइल सक्यूलेंट्स को दोगे उतना ही लंबा ये चलेगा। तो आप देख सकते हो मेरे हवर्थिया का सॉइल मिक्सचर अलग है, गेस्टेरिया का अलग है और स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स है, इनका अलग है। तो मैंने इस बार अलग अलग सॉइल मिक्सचर में मेरे सक्यूलेंट्स को ग्रो किया है और अभी तक तो सारे ही सक्यूलेंट्स बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो जितने भी डेलिकेट सक्यूलेंट्स हैं जैसे कि ये एचिवेरिया के प्लांट्स हुए और भी मुझे नाम पता नहीं है फ्रेंड्स, बट आप देख सकते हो ज़्यादातर जो है मेरे डेलिकेट प्लांट्स को मैंने सिंडर में लगाया है। सिंडर एक बहुत ही अच्छा सॉइल मीडिया होता है सक्यूलेंट्स के लिए। सिंडर जो है पानी ज़्यादा होल्ड करता नहीं है। सिंडर के साथ आप थोड़ा सा सॉइल और सैंड और लीफ कंपोस्ट, नीम खली, ये सब मिक्स करके अगर आप प्लांट को लगाते हो तो बहुत अच्छे जो है ये चलते हैं, क्योंकि पानी जैसे ही हम डालते हैं ये तुरंत पानी ड्रेन आउट हो जाता है। बस इसी तरह की सक्यूलेंट को सॉइल पसंद होती है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अलग अलग सॉइल मिक्सचर में आप लगाकर ट्राई कीजिएगा। जो सॉइल मिक्स बेस्ट होता है आप उसी तरह हमेशा अपने सक्यूलेंट्स को रिपोर्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो वाटरिंग भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें समझ में करना है। तो जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो आपको ऊपर से यानी प्लांट के ऊपर से पानी नहीं देना है, आपको डायरेक्टली सॉइल में पानी देना है। अगर आपने ऊपर से पानी दे दिया तो आप पत्ते देख सकते हो काफ़ी नज़दीक होते हैं सक्यूलेंट्स के, तो इसमें पानी जो है रह जाता है। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पानी जो है धीरे धीरे हमारे प्लांट को रॉट करना स्टार्ट कर देता है और अगर हमारा सेंटर पार्ट ही प्लांट का रॉट हो जाए तो आपका प्लांट बहुत इजीली मर सकता है। तो जब भी आप वाटरिंग करें तो डायरेक्टली आप सॉइल में वाटरिंग कीजिएगा और अगर आपने गलती से ऊपर पानी डाल भी दिया पत्तों पर तो आप तुरंत जो है पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उन्हें रिमूव कर दीजिएगा, या तो आप किसी ब्लोअर से आप इन वाटर ड्रॉपलेट्स को हटा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है फ्रेंड्स वाटरिंग का। और जब भी आप वाटरिंग करते हो तो आपको फंगीसाइड ज़रूर मिक्स कर लेना है। तो 1 चम्मच आप 1 लीटर में फंगीसाइड मिलाकर इन सभी सक्यूलेंट्स को दीजिएगा। तो बात करते हैं पानी कब हमें देना है। तो समर्स में पानी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी हमारे सक्यूलेंट्स होते हैं उनके पत्तों में ऑलरेडी पानी स्टोर हुआ रहता है। तो आपको चेक करना है सॉइल का, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर होता है तो सॉइल के सूखने का टेम्परेचर भी हर जगह अलग अलग होता है। तो आप चेक कीजिएगा, जब आपको सॉइल ड्राई दिखे तभी आप इसमें पानी दीजिएगा। मैं अपने सक्यूलेंट्स में महीने में 1 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही पानी देती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि 3 या 4 इंच की सॉइल इसकी ड्राई हुई है तभी मैं इनमें पानी देती हूँ। पॉट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप पहली बार सक्यूलेंट्स को ग्रो कर रहे हो तो आपको हमेशा जो है सक्यूलेंट्स को क्ले पॉट में ही ग्रो करना है। मैं जो है हर बार जो है सक्यूलेंट्स ग्रो करती हूँ और लकीली इस बार मेरे सारे सक्यूलेंट्स ग्रो कर रहे हैं। बट मैंने भी जो है पिछली बार प्लास्टिक पॉट्स में लगाया था, तो प्लास्टिक पॉट की वजह से भी कई बार हमारे प्लांट जो है मर जाते हैं। तो आप हो सके तो आप अगर पहली बार लगा रहे हो तो आप ज़रूर इन्हें क्ले पॉट दीजिएगा। क्ले पॉट में जो है एरिएशन चलता रहता है और समर्स में क्ले पॉट ठंडा भी रहता है, जिसकी वजह से सक्यूलेंट्स के रूट्स भी ठंडे होते हैं और इसकी वजह से भी आपका प्लांट काफ़ी अच्छा चल सकता है। तो आप हो सके तो आप क्ले पॉट लीजिएगा इन सारे ही सक्यूलेंट्स को ग्रो करने के लिए। अगर आपने सक्यूलेंट्स ग्रो कर लिया है और वो ग्रो नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ हार्डी वेराइटीज़ अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, जैसे कि हवर्थिया। हवर्थिया एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। मैं आपको मेरा 2 साल पुराना हवर्थिया भी दिखाऊंगी। और आप ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स गेस्टेरिया का प्लांट। गेस्टेरिया भी एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये जो आप देख रहे हो ये मेरा पिछले साल का गेस्टेरिया का प्लांट है। बहुत ही छोटा प्लांट मैंने ख़रीदा था और अभी देखिए फ्रेंड्स ये कितना बड़ा हो चुका है। और ये जो है छोटे पॉट में लगा था, बट इस विंटर में मैंने इसे शिफ्ट कर दिया बड़े पॉट में और अभी आप देख सकते हो साइज़ में भी ये बड़ा ग्रो हो चुका है और इसके बेबी प्लांट्स भी ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। तो आप कुछ हार्डी वैरायटीज़ अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। तो और भी कुछ मैं प्लांट्स बताऊंगी जो कि मेरे पास 1 या 2 साल से है। ये जो हवर्थिया आप देख रहे हो जेब्रा हवर्थिया, ये मेरा आई थिंक 1 या 2 साल पुराना प्लांट है और 1 ही प्लांट मैंने लिया था और अभी देखिए इसके बेबी ग्रो हो चुके हैं और बेबी भी मैच्योर हो चुके हैं। तो हवर्थिया बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। पूरा पॉट जब भर जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है पॉट। और नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ये सीडम का प्लांट। सीडम भी बहुत ही जो है ये हार्डी वेराइटी है। वैसे तो ये प्लांट मर जाता है बट कुछ 2-3 पत्तियाँ जो है हर गमले में रह जाती है फ्रेंड्स, और जैसे ही विंटर आता है तो इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये एक और जो प्लांट है ये पैंडा प्लांट है और इसका एक वीडियो मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह इसकी केयर करनी है। तो इस प्लांट को भी आप बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हो। ये प्लांट मेरे पास 2 साल से है और इसे आप बहुत ही ईजिली पत्ते से प्रोपोगेट कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, पत्ते सॉइल पर जैसे ही गिरते हैं इसके जो है न्यू बेबी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, ये एक कलांजू की वैरायटी है। और अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे वैरायटीज़ है जो कि आप बहुत ही इजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। ये मेरा स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स है जो कि मेरा पिछले साल का प्लांट है। ग्रोथ तो बहुत अच्छी नहीं कहूँगी, बट हाँ ये सर्वाइव कर रहा है। और आज नहीं तो कल फ्रेंड्स मैं इसमें काम करूँगी क्योंकि इस साल भी मैंने इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये बचा रहे। तो विंटर्स में मैंने जो है इस बार इस पर ध्यान नहीं दिया, तो नेक्स्ट विंटर ज़रूर उस पर काम करूँगी। तो आप कुछ हार्डी वेराइटीज़ अपने गार्डन में ऐड कीजिए जिससे आपका जो सक्लेंट ग्रो करने का जो शौक़ है फ्रेंड्स वो पूरा हो जाएगा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो अभी आपको सक्यूलेंट में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं देना है क्योंकि ग्रोइंग पीरियड में जब आप फर्टिलाइज़र देते हो तो प्लांट की ग्रोथ और उसका जो कलर है ग्रीन वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। बट अभी जो है इनका रेस्टिंग पीरियड है, इनमें किसी भी तरह की ग्रोथ आपको ज़्यादातर देखने नहीं मिलेगी। तो आपको इनमें सिर्फ पानी देना है, वो भी फंगीसाइड वाला, बस। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। अगर आपके प्लांट पर आपको किसी भी तरह का पेस्ट अटैक दिखे तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हो। आप चाहो तो महीने में एक बार इन पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो ताकि किसी भी तरह का पेस्ट अटैक ना हो। तो आप हो सके तो ऐसे प्लांट्स आसपास ना रखें जिन पर पेस्ट अटैक होता है, तो उन प्लांट से भी हमारे सक्लेंट पर शिफ्ट हो सकते हैं वो पेस्ट। तो आप ऐसे प्लांट्स रखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक उन प्लांट्स पर ना हो। और आप सारे ही प्लांट्स को इकट्ठा रखिए, इससे भी जो है प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलेगी और आपके सक्लेंट्स के ज़्यादा चलने के चांसेस हो सकते हैं। और अभी आपको ना ही इनमें कोई रिपोर्टिंग करना है और ना ही कोई कटिंग करना है। अभी फ़िलहाल जैसे भी कंडीशन में आपका प्लांट ग्रो हो रहा है उन्हें ग्रो होने दीजिए। ये आप देख सकते हो मेरा कलांचू है जो कि थोड़ा लेगी हो चुका है, बट अभी इसमें मैं कोई भी काम नहीं करूँगी क्योंकि अभी हमने कोई भी काम किया तो हमारा प्लांट डेफिनेटली मर सकता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। समर्स में हमें सक्लेंट्स की केयर किस तरह करनी है। तो अगर आपके भी सक्लेंट्स अभी तक बहुत अच्छी कंडीशन में ग्रो हो रहे हैं तो आप बस इन बातों का ध्यान रखिए और आपके सक्लेंट्स काफ़ी अच्छे चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये केयर टिप्स पसंद आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।